साइट्स पे ट्रोलिंग बहुत होती है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आज ही इरफान पठान ने अपनी वाइफ के साथ अपनी पिक्चर डाली थी जिसको काफी लोगों ने ट्रोल किया, ये कह के कि ये गैर इस्लामिक है। क्या अपनी पिक्चर्स डालना या अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं उस पर रोक लगाना किस हद तक सही या गलत है? देखिए, सामाजिक बर्ताव को और व्यवहार को पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये देश 125 करोड़ का देश है और विभिन्न विभिन्न लोग, जातियाँ, धर्म, रीति रिवाज, अपने इंडिविजुअल्स लेवल हैं, स्टाइल हैं, एक्सप्रेशंस के, इंटरेक्शन के। आप हर एक पर टिप्पणी करने लगेंगे तो आप खुद भी अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि हम हर एक को अलग तरीके से जीने दें और हम खुद जितने सुंदर से तरीके से जी सकते हैं वो जिए। टिप्पणी करना कोई एक अच्छी बात नहीं। नहीं जी, ठीक कहा सुभाष घई ने, जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, जियो और जीने दो जी। लेकिन आपने जो बात की, मैं ट्वीट करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ पे, बहुत सारे ट्रोल्स आते हैं, कई पेड होते हैं, कई चमचेज होते हैं, कई सिखाए हुए होते हैं, कई भेजे हुए होते हैं, कई जेन्यून भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो होते हैं जो फिक्स किए हुए होते हैं और वो करते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, तरह तरह की बातें, मुझको हो, अनुपम खेर को, कि इनको हो, कि यहाँ तो रवीश को भी करते हैं अपना और बाकी आप लोग भी शायद करते होंगे। तो लेकिन बेस्ट तरीका इसका यही है कि वो जो आपको गालियाँ दे रहे हैं उसको पढ़ो ही मत, देखो ही मत, हो सके तो उसको ब्लॉक करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।